इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। इस तरफ से आएंगे, नहीं आपको वीडियो में नहीं दिखलाएंगे। इतना बड़ा कार्टून है प्रियांशु और आराध्या दोनों। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूपाली ब्लॉग। और आप सभी का मेरा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का ब्लॉग है क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। इस तरफ से आएंगे, नहीं आपको वीडियो में नहीं दिखलाएंगे, नहीं चोटी नहीं बनवाती इसलिए इसको वीडियो में नहीं लेंगे। तो आज मैं आराध्या को वीडियो में नहीं लेने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसलिए मैं एकदम सभी काम वाम हो गया है मेरा और मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा, जैसा कि देख पाते हैं। फिर आप लोग गेस्ट से मिलिएगा तो आप लोग सोचिएगा या ऐसा गेस्ट होते हैं क्या, तो वो लोग आप देखिएगा लोग कि बोलिए कैसे लग रही हैं। अच्छी नहीं लग रही हैं। तो वीडियो में आने के लिए आराध्या एकदम बेचैन रहती है। तो गाइस, गर्मी है और बाल धोई थी मैं, इस वजह से वैसे खुला रखी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आराध्या एकदम बेचैन रहती है वीडियो में आने के लिए। जब भी देखती है मोबाइल ऑन है तो बोलती है मेरे को भी लीजिए, लेकिन चोटी कभी भी चोटी नहीं बनवाना चाहती है। चोटी बनवाती है तो खूब रोती है। तो गाइस ठीक है, चलिए इन लोग का तो चलते ही रहता है। तो चलिए मैं आपको वो गेट से मिलवाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आ गई, फिर आ गई, देखिए वीडियो में आने के लिए। इसको एकदम मैं वीडियो में नहीं लेने वाली हूँ। कभी चोटी नहीं बनवाती है, कभी भी नहीं, चोटी करती हूँ तो खोल देती है, तो इसलिए मैं आराध्या को बिल्कुल वीडियो में नहीं ले। तो ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको गेस्ट से मिलवाऊंगी। तो फ्रेंड, ऐसा कोई गेस्ट नहीं आने वाले हैं, मेरे यहाँ कूलर आने वाला है। तो वो भी जो इंतज़ार करने के बाद आए उसको गेस्ट बोला जाता है। तो कोई गेस्ट में मतलब इंसान नहीं आने वाला है, लेकिन सामान ज़रूर आने वाला है। तो फ्रेंड, ये अभी आए हैं भैया लोग, रख के गया है लोग। आराध्या बहुत खुश है, फिर आपको आगे दिखलाएंगे वीडियो में कैसा क्या है, कैसा है मैं भी नहीं देखी हूँ। और शाम को हस्बैंड जी आएंगे तो ओपन करेंगे इसको, फिर आप सभी को भी दिखलाएंगे और मैं भी देखूँगी। तो गाइज, यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से और ये शाम के 5-6 बजे का टाइम होगा, नहीं 5 नहीं 6 बजे का टाइम होगा। और ये जब आया था तो 1:30 या 2 बज रहा था जब कूलर आया था, तो मैं ऐसे ही रख दी थी, मैं ओपन नहीं की थी। मैं सोची हस्बैंड आएंगे तो अपना करेंगे, चेक करेंगे, तो वही आ गए थे शाम को, 6 बजे आए थे, तो वही खोल रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा है, मैं भी नहीं देखी हूँ, खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो अच्छा ही है, कलर वाइट कलर का है तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये देख, थर्माकोल से भरा हुआ है। उठा के निकालिए कुर्सी पर चढ़ के ऊपर से खींच लीजिएगा। तो गाइज, मेरे ख्याल से देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो बहुत किस्मत से अपने घर आता है, कोई भी चीज़ सामान होता है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ कभी बहुत परेशानी के बाद कोई चीज़ आदमी ले पाता है, तो कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है। तो इसीलिए ना इसको बहुत केयर करना चाहिए कोई भी चीज़ को। और मेरे ख्याल से ना चीज़ सामान को जितना केयर करिएगा ना, उसको जितना इज्जत दीजिएगा ना, तो वो ज़्यादा दिन आपके आपको भी इज्जत देगा, मतलब आपके साथ चलता भी सही है।
तो इसलिए चीज़ सामान को बहुत अच्छा से रखना चाहिए और बहुत रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कि चलिए मेरा किस्मत में है कि आज मेरे घर कोई चीज़ आया हुआ है। यहाँ दोनों बेटी लोग बहुत खुश था लोग, तो ये अभी ओपन कर ही रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे को ना न्यू लग रहा है, ट्रेंडिंग में ही है, अभी नया ही ब्रांड आया है इसका। पहले का जो बजाज का कूलर था, हम लोग का पहले बजाज का ही कूलर था, लेकिन उसका डिजाइन ऐसा नहीं था। तो इसका डिजाइन ना, आगे वाला जो डिजाइन है बहुत सुंदर लग रहा है। और इसका जो पानी डालने का दिया है वो नीचे के साइड पीछे के साइड से दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा एकदम ट्रेंडिंग डिजाइन लग रहा था, अच्छा लग रहा था देखने से। ये देखिए कुछ इस तरह से है, तो अच्छा लग रहा था एकदम से, सुंदर। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो में दिखलाएंगे आपको, चलाकर भी दिखलाएंगे कि कैसा लग रहा है चलने के बाद, उसका लाइट कैसे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यही बता रही थी मैं, नीचे का साइड है पानी डालने का, बहुत अच्छा है। आप आराध्या सोई थी ना, तो वो रहती ना तो और वो बदमाशी करती और उछलती। वो जब आया था तब जागी हुई थी, उसके बाद सो गई है, नहीं तो ये इतना आराम से थोड़ी है ना खोलने देती। आराध्या थोड़ा सा अच्छी है, फनी है, क्यूट है, तो अच्छा लगता है। बच्चे तो भाई ऐसे ही अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा चहकते रहें महकते रहें तो शांत बच्चे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो आराध्या के साथ बहुत अच्छा मेरा मन लग जाता है गाइस। तो घर में नहीं भी रहे तो मुझे टेंशन नहीं रहता, आराध्या होनी चाहिए। कहाँ चक्कर, और प्रियांशी थोड़ा कम करती है, जिद्दी बहुत ज़्यादा है, बदमाशी बहुत करती है, धोना धोना इसका बहुत गिर जाएगा उधर, तो इससे तो थोड़ा कम है हम लोग की, क्योंकि इसको ना उतना है भी नहीं इसका चक्का का, इसका गोल गोल आता है ढक्कन जैसा है लगाने का, चार गो है ना, तो का चार गो है खड्डा जैसा यहाँ चक्का देता है ना लगाने का, ले उसमें नहीं है ये बोलना पड़ेगा तो देगा। तो इसमें चक्का था, जो ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना हुआ, तो उसी में इसका चक्का रखा हुआ था। तो हमें लगा कि ये वाला जैसे जो ऊपर बीच में है ना, ये तो लाइट का है, ये नहीं, इसके ऊपर आपको प्लेन में दिख रहा होगा स्क्वायर टाइप का, तो वो चीज़ है। इसका तीन बटन तो होता ही है। तो ये देखिए चला के कुछ इस तरह से लाइट जलता है इसमें, और ये एथी ऑन ऑफ करने वाला है, और फिर स्पीड ज़्यादा करने वाला, फिर एक पानी का है, वाटर वाला है। तो फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं तक है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी से। और जो लोग मेरा वीडियो देखा है लोग, उन लोगों को फिर से थैंक यू। तो प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग।